समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बिहार के दरभंगा जिला के सोहरा गांव में पहुंचा हूं, क्योंकि दरभंगा जो है सूखा ग्रसित होने वाला है और हो चुका है। खासकर जो नीतीश कुमार है वो नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री उनसे मिलकर ये बातचीत किए हैं उनसे कि जो दरभंगा है उसमें बहुत ज़्यादा जो धान की खेती नहीं हुई है और खासकर पानी जो है इस बार हुआ ही नहीं है, इसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है और जो खासकर किसान को इस बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। क्योंकि जो धान की खेती है आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं कैमरामैन को बताऊँगा कि धान की खेती खासकर दिखाएं, देख सकते हैं पूरा जल चुका है, यहाँ पर हुआ ही नहीं है। जो धान का जो बाल जो होता है, जैसे आप समझ सकते हैं, देखिए जो इस बार धान की खेती है, की खेती ही किसान के लिए एक पूरे साल के लिए उनके जीविका का बहुत बड़ा आधार है। आज मेरे साथ जो मदन मोहन झा उर्फ मोहन जी हैं उनसे भी मैं कुछ सवाल जवाब करूंगा। और ये जो बहुत बड़ा एक इस साल के लिए जो सूखा ग्रसित होने वाला है दरभंगा चैनल में, मदन मोहन जी कैसा इसको ले रहे हैं आप? इतने साल से आप देख रहे थे, जो किसान हैं उनके ऊपर कैसा असर पड़ेगा? मैं भी एक किसान का पुत्र हूँ और पिताजी के साथ किसानी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। इस बार की हालत बहुत बुरी है, किसान बराबर से मानसून की आपने बहुत अच्छी बात बताई कि किसान के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ है और खासकर रबी भी नहीं होने वाला है। तो पेशे से शिक्षक रह चुके मदन मोहन झा जी, इनके पास हजार से ऊपर कविता लिखने का अनुभव भी है, लेकिन एक जो कहते हैं दिक्कत की बात है ये है कि इन्होंने कोई पब्लिकेशन अभी नहीं किया अपनी कविता का, इसके लिए कोई इनको जानता भी नहीं है कवि के तौर पे। और इनके पास जो पिटारा है, मैं आपको बताऊंगा कि एक ये जो सूखा घोषित होने वाला है और जो कैसे हम अपने इंद्रदेव से जी बारिश के लिए हम अनुरोध करें, इसके लिए कोई कविता अपने रूप में? जी, मेरे पास मैथिली में एक कविता है, मेघ सो विनती मैं सो जे प्रतीक्षा छल वर्षा के, तकरे चित्रण कैल गेल अछि आ बाद में निराश भ क बैस देवाक गप पर में आबि को कविता के समाप्ति भ चुकल है। दिन दोपहर में बरखा जन आग के लोक गर्मी आलू सो मरैत रही गेल, दिन दोपहर में बरखा जन आग के लोक गर्मी आलू सो मरैत रही गेल, रात भेन हूँ छोड़लक पछोर गुमकी लोक छटपट कतेको करैत रही गेल, धाह जेठक समय जे छले से छले मास बीतल अखारक बढ़ैत रह गेल, डाह बढ़िते निदा धोबे आधक समय पाह पड़ल उमस में सरैत रह लागैत जेना पसीझि रहलै धार सन जनु पसेना बहैत रह गेल, पानी दुर्मिल बनल मांग जाइते बढ़ल कत जरूरी पियासो बढ़ैत रह गेल, बीत गेल मृगशिरा आ बीतल अरदरा बाट घनश्याम के सब तकैत रह गेल, देख छारल गगन मोर नाचै मगन मन पियासल मुदा तरसैत रह गेल, मेघ अंबर में आयत खूब पानी बरसैत से अबैते अबैते अबैत रह गेल, मेघ अंबर में आयत खूब पानी बरसैत से अबैते अबैते अबैत रह गेल, बर विपत्ति में परल जग व्याकुल बनल भेल आरत बरु गोरबैत रह गेल, बर विपत्ति में परल जग व्याकुल बनल भेल आरत बरु गोरबैत रह गेल, आग सन आतपे तप्त होइते जगत जो अहिना थोड़े दिन जरैत रह गेल, सोचि से दुर्दशा शीघ्र करियो कृपा सोचि से दुर्दशा शीघ्र करियो कृपा मोन मोहन जगत हित कहैत रह गेल। एक लाइन हिंदी में अगर इसका अनुवाद बता दें कि कैसा कि जो मेघ से हम अनुरोध कर रहे हैं तो इसके बारे में? जल ही जीवन है, जल के बिना तो सारा क्रियाकलाप ठप हो जाता है, खेती होने की कौन सी बात, खाने पीने के लिए भी तरस जाता है आदमी, इसलिए मेघ से विनती की गई है, प्रार्थना की गई है कि हे
मेघ आप बरसा बरसाइए ताकि लोगों का कल्याण हो, खेती बाड़ी हो सके, आगे का जीवन सबका सुखद हो। लेकिन इस बार की स्थिति प्रतिकूल ही रही। एकाध वर्षा को, हल्की फल्की वर्षा को छोड़ दी जाए तो यहाँ दरभंगा में बहुत ही कम वर्षा हुई, जिसका परिणाम आप समक्ष में देख ही रहे हैं। खेत में दरारें पड़ी हुई हैं, एक भी बाल नहीं निकला धान की, एक भी बाली नहीं निकली धान की, और अधिकांश खेत बनी हुई है, उसमें जो रबी की भी आशा नहीं है। ये थे मेरे साथ मदन मोहन झा, जो एक शिक्षक भी रह चुके हैं और कवि भी हैं। मैं ऐसे ही और एक एपिसोड लेकर आऊँगा इनके साथ विभिन्न मुद्दों पर। और आप देख सकते हैं ये जो खेत में पानी के बगैर जो ये दरारें आ चुकी है, देख सकते हैं किसान खासकर परेशान है, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं है, उनके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि उनका जो एक एक एकमात्र आधार है वो सिर्फ में सिर्फ खेती ही है। इसके लिए सरकार से भी अनुरोध है कि किसान की तरफ देखे और अच्छा से अच्छा सुविधा दे उनको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं भारत उदय समाचार से राहुल जगजीत, जय हिंद जय भारत।